प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम सब ने हिंदी साहित्य में पाठ 3 से समय नियोजन पाठ को पढ़ा था और समझा था, और उस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को आप सब ने किया भी होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सब पुनः उसी पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें, तो अपने निश्चित समय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। कारण, धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अन्यास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ कफूर हो जाती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें कभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और संबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही
दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कहीं कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा समय जीना है और सफलता की ऊंची ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका ले ले तो निश्चित ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 3 समय नियोजन पाठ पढ़ा। हमने इस पाठ से क्या सीखा उसे भी हम देखते चलते हैं। बच्चों, गया समय कभी नहीं आता है। समय को नियोजित करके हर पल का सही उपयोग करना आवश्यक है। हमारे जीवन में हर पल महत्वपूर्ण होता है। समय का सदुपयोग करके हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। समय पालन से विद्यार्थियों में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली। हम जीवन में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं। ये सब तभी संभव हो सकेगा जब हम समय के महत्व को अपने जीवन में पूरी तरह से समझेंगे। इसी में मानव जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। हमें विद्यालयों में समय का सदुपयोग करना सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को हम समय तालिका भी देते हैं। सुबह यदि हम स्कूल देर से जाते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, बसें आदि अपने निर्धारित समय से ही चलती हैं। प्रकृति भी समय के अनुसार कार्य करती है। समय पर ही फल, फूल आदि निकलते हैं। समय पर ही फसल पकती है। मौसम भी समय अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। यदि हम भी सुनुचित ढंग से कार्य करें तो हम भी प्रगति कर सकते हैं।
हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें, काल करे जो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे करेगा कब। तो बच्चों, आपको यह पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा और पाठ के अंत में हमने जो भी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं उसे भी आपने सुनी होगी और समझी होगी। और बच्चों, इन सब बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। तो बच्चों, पाठ के अंत में मैं आपसे पुनः वही बात याद दिलाना चाहती हूँ कि इस पाठ से संबंधित कुछ कार्य हमारे स्कूल के वेबसाइट पर है, उसे आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में ज़रूर से उतार लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।